हेलो स्टूडेंट्स एक इन फो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जिसका नाम है एनालॉग माइक और डिजिटल माइक में डिफरेंस आखिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि एनालॉग माइक और डिजिटल माइक दोनों में क्या डिफरेंस होता है आखिर उसे एनालॉग क्यों बोलते हैं उसे डिजिटल क्यों बोलते हैं बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि यूनिवर्सल माइक जो वायर वाले माइक होते हैं उनका ज़माना गया या ये आप कह सकते हैं बहुत कम परसेंट यूज़ होता है यूनिवर्सल माइक का सभी फ़ोनों में लेटेस्ट फोनों में या 4G के जितने भी फ़ोन्स हैं 5G के जितने भी फोन्स हैं है, सब में एक आईसी माइक लग के आते हैं आईसी माइक इन द सेंस कार्बन माइक जिसे बोलते हैं या डिजिटल माइक बोलते हैं कुछ लोग एनालॉग माइक बोलते हैं तो आईसी माइक तो सब जानते हैं बट उस आईसी माइक में कौन सा एनालॉग माइक है कौन सा डिजिटल माइक है आज हम उसके बारे में जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोनों के सर्किट में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग माइक जो कि आपने बहुत सारे रिपेयर किए होंगे इसमें कितनी लाइंस होती हैं अगर सर्किट में देखें तो एनालॉग माइक में कितनी लाइन्स होती हैं फर्स्ट लाइन होती है माइक पॉजिटिव माइक पॉजिटिव मीन्स की प्लस लाइन जिससे हमारा सिग्नल जाता है फोन के अंदर जो हम ऑडियो सिग्नल देते हैं उससे जाता है तो ये माइक प्लस लाइन है एक होती है माइक माइनस लाइन ये अलग से भी हो सकती है या फिर ये माइक माइनस लाइन ग्राउंड होती है तीसरी लाइन है माइक को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए तो एनालॉग माइक में वोल्टेज मिलता है 2.8 पॉइंट वोल्ट ये एनालॉग माइक का वोल्टेज है माइक को काम करने के लिए तो मेनली अगर देखा जाए तो माइक प्लस लाइन ओके होनी चाहिए वोल्टेज लाइन ओके होनी चाहिए और माइनस ग्राउंड हो तो कोई दिक्कत नहीं अगर ग्राउंड नहीं है वो लाइन में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और प्रॉपर रीडिंग मिल रही है तो वो भी लाइन ओके होनी चाहिए ये थी एनालॉग माइक के सर्किट के डिजाइनिंग अब हम देखते हैं डिजिटल माइक में क्या है तो डिजिटल माइक में माइक क्लॉक चाहिए यानी सी से आने वाला क्लॉक चाहिए जो माइक के लिए होता है अब बताती है कि एनोलॉग से डिजिटल आया क्यों ये इसलिए आया क्योंकि नॉइज कैंसिल करने के लिए चाहिए अगर माइक सी से क्लॉक आएगी तो ही सी से क्लॉक आई उसके बाद डेटा का ट्रांसफ़र हुआ डेटा का ट्रांसफ़र इन सेंस कि यहाँ जो माइक प्लस लाइन है वही यहां पे माइक डेटा लाइन है जिसे आईओ बोलते हैं जिसे इनपुट आउटपुट बोलते हैं तो ये माइक प्लस आप कह सकते हैं ये माइक क्लॉक सीपीयू से आती है ये डेटा लाइन है यानी प्लस लाइन है और माइक बायस इसमें भी वोल्टेज चाहिए और इसमें वोल्टेज कम चाहिए 1.8 पॉइंट वोल्ट तो देखा जाए तो माइक से जो आवाज़ जाती है उसकी क्लियरिटी और दूसरा वोल्टेज कम चाहिए यानी बैटरी कंजप्शन कम होगा तो इसलिए हम डिजिटल माइक का यूज़ लेटेस्ट मॉडल में कर रहे हैं तो अभी तक आपने एनालॉग का सर्किट देखा होगा तो हम रफली आपको एनालॉग सर्किट भी दिखाते हैं और डिजिटल भी कि आप सर्किट डायग्राम में कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं तो देखिए ये रेडमी नोट सिक्स प्रो का सर्किट है ये बी टी बी कनेक्टर है जिसमें माइक की लाइन है ये बी कनेक्टर जो 1303 तीन है इसमें माइक की तीन लाइन है माइक बायस प्लस और माइनस लाइन तो इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं ये देखिए, माइक बायस प्लस और माइनस सी डी सी क्यों लिखा हुआ है यानी कोडेक आईसी से कनेक्शन है इन मतलब इनपुट और पॉजिटिव लाइन तो ये तीन लाइनें हैं जो माइक के लिए ओके होनी चाहिए तभी माइक इजिली वर्क करेगा तो आइए जी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव मॉडल ये एस डीसी एट थाउजेंड वन ये बीटीबी कनेक्टर है क्योंकि एक्चुअली इन दोनों ही पीसीबी में डबल पीसीबी आती मेन बोर्ड सब बोर्ड तो बी कनेक्टर से सर्किट डायग्राम में सर्किट दिया होता है तो देखिए माइक बायस आपने देख लिया वन पी एट यानी वन पॉइंट एट वोल्ट ही चाहिए सिर्फ इसके बाद अगर देखें तो देखिए माइक मेन माइक क्लॉक ये मेन माइक क्लॉक फिफ्टी टू पिन से है कनेक्शन इसका जो कि सीपीयू से आ रही है दूसरी है डेटा ये भी किससे कनेक्टेड है सीपी से कनेक्ट है पिन नंबर पचास से और एक है आपका जिसे आप माइक माइनस कहिए या फीडबैक कहिए ये फीडबैक ग्राउंड है जो कि माइक माइनस का काम कर रही है आपको एक बार डेटा लाइन दिखा देते हैं कि ये कहाँ से कनेक्ट है ये देखिए यू यानी ये सीपी से कनेक्टेड है अब स्टूडेंट एक और कन्फ्यूज़न uh, है कि क्लॉक और डेटा ये सारी लाइनें सी पी यू से कनेक्ट होती हैं लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कभी कभी क्या होती है क्लॉक लाइन किसी आई सी पी एम आई सी के अंडर में भी क्लॉक रखा गया है तो यहाँ पे देखिए ये डेटा लाइन है जो कि इस आई सी से कनेक्ट है ये ऑडियो पोर्सन है इसका ये मेन माइक क्लॉक है और मेन माइक डेटा है और क्लॉक में भी यहाँ रजिस्टर लगा रखा है ये देखिए क्लॉक में एक रजिस्टर लगा हुआ है तो देखिए स्टूडेंट ये कंफ्यूजन कैसे दूर की जाए कि ये क्लॉक डेटा सीपीयू से आया है या फिर ये ऑडियो आईसी से आया है तो इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे माइक बायस की भी लाइने इसी आईसी से गई हैं यानी जो वोल्टेज गया है वो कहाँ से गया है इस आईसी से इट मीन्स इससे ये पता चलता है कि पावर आई के अंदर ही ऑडियो कोडेक सर्किट है और साथ में वही पावर आई है पावर आईसी होने की वजह से माइक का वोल्टेज देखिए मेन माइक बायस 1.8 पॉइंट वोल्ट यहाँ से निकला हुआ है जो कि कनेक्टर में पहुँचने के बाद सब पीसीबी और डिजिटल माइक तक गया हुआ है और यहीं से क्लॉक और डेटा का भी कनेक्शन है जो कि डेटा की लाइन आप देख रहे हो आईसी की तरफ है इट मीन्स जो हम बोलते हैं वो आई में ऑडियो सिग्नल आता है और काम करने के लिए यहाँ से क्लॉक जाती है इट मीन्स कि सी ने पावर आई को हैंड ओवर कर दिया है क्लॉक के लिए और फिर माइक सर्किट वर्क करता है तो आई होप कि आपको ये सर्किट समझ में आया होगा कि डिजिटल माइक और एनालॉग माइक में क्या डिफरेंस है नेक्स्ट वीडियो आप हमसे कौन सा चाहते हैं तब तक के लिए धन्यवाद